सभी को जान लेना चाहिए कि भगवान जो कुछ भी करते हैं वह अकारण नहीं करते। प्रत्येक वस्तु के पीछे कोई ना कोई कारण और तात्पर्य छिपा होता है। अब अगर हम भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में ही बात करें तो वे क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजित रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप चतुर्भुज है, यानी कि चार भुजाओं वाला। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान विष्णु प्रत्येक हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि धारण करते हैं। परंतु क्या ये चारों वस्तुएं भगवान ने यूं ही धारण की है? वास्तव में इन प्रत्येक वस्तुओं का अपना अपना महत्व और तात्पर्य है। जैसे कि पद्म, पद्म का अर्थ कमल के फूल से है। कमल पुष्प अत्यंत ही शुभ माना जाता है और ये एकाग्रता और सत्यता का प्रतीक है। जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी खुद को सुंदर और साफ बनाए रखता है, इसी प्रकार से हमें भी संसार की माया में रहते हुए खुद को निष्पापी बना कर रखना है। आगे बात करते हैं गदा के विषय में। भगवान विष्णु की ये गदा कमोदकी के नाम से जानी जाती है। ये कमोदकी गदा भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और बल का प्रतीक है। ये गदा भगवान की न्याय प्रणाली को दर्शाने का कार्य करती है। इसे गदा से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। श्री हरि अपने एक हाथ में शंख को भी धारण करते हैं। शंख की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। यह व्यक्ति के जीवन में से नकारात्मकता को कम करती है। ये ध्वनि हमारे अंतरात्मा और चेतना को जागृत करती है। अतः भगवान विष्णु भक्तों को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी कारण से उनके हाथ में पांचजन्य नाम का शंख रहता है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सर्वश्रेष्ठ अमोघ अस्त्र है। इसे काल चक्र का प्रतीक माना जाता है। सुदर्शन चक्र की ये विशेषता है कि एक बार यदि लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसका संधान कर दिया जाए तो फिर ये लक्ष्य को भेदे बिना पुनः नहीं लौटता। अतः इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, पुनः लौटना तो दूर, पुनः मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा धारण की जाने वाली ये चारों चीजें अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी चीज का प्रतिनिधित्व करके विविध प्रकार की सीख देती है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी इन्फोशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।